हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेरा अगेन हाउ टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये छोटा सा हाउ टू वीडियो भी एक रिक्वेस्ट वीडियो है। आप में से हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर ने पूछा है, सर गूगल क्रोम में किसी इंग्लिश वाली वेबसाइट को हिंदी में करना हो तो कैसे करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को यही बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग भी गूगल क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं और किसी वेबसाइट को या फिर वेब पेज को विजिट करते हैं और उसकी भाषा को चेंज करना चाहते हैं तो वो आप लोग आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं इसको कैसे करना है तो फिर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। तो यहाँ पर ये देखिए, गूगल क्रोम ब्राउजर में किसी भी वेब पेज को अपनी जानने वाली भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने करने क्या होगा, जो भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे ही आप लोग आएंगे तो जो भी आप लोगों को पहला लिंक मिलेगा आप लोग उस लिंक पर क्लिक कर लीजिए। तो जैसे ही आप लोग इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप लोग इस वेब पेज पर आ जाएंगे। अगर आप लोग इस वेब पेज को पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए और उसके बाद आप लोगों को नीचे को स्क्रॉल करना है जहाँ पर आप लोगों को स्टेप्स मिलेंगे लिखे हुए। इन स्टेप्स में यहाँ पर आप लोगों को गूगल क्रोम का एक एक्सटेंशन मिलेगा, उसका डायरेक्ट लिंक मिलेगा। आप लोगों ने क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लोग इस लिंक पे क्लिक करेंगे, अगर आप लोग चाहें तो गूगल वेब स्टोर पे इसको सर्च भी कर सकते हैं, गूगल ट्रांसलेट इसका नाम है। आप लोग इसको सर्च कर लीजिए और उसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा, इसको अपने क्रोम एक्सटेंशन पे ऐड करना होगा, मतलब क्रोम ब्राउजर पे ऐड करना होगा। आप लोग यहाँ पर से ऐड टू क्रोम पे क्लिक कर लीजिए। जैसे आप लोग ऐड टू क्रोम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों से कंफर्मेशन मांग रहा है, आप लोगों ने यहाँ पर से ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप लोग यहाँ पर से ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो ये जो गूगल क्रोम ब्राउजर है इस पे एक एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोगों को यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, आप लोगों को उसमें बहुत सारे एक्सटेंशन पहले से लगे हुए हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पर से क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी एक्सटेंशन आप लोगों के गूगल क्रोम ब्राउजर पर लगे होंगे वो सारे के सारे दिख जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को एक मिलेगा गूगल ट्रांसलेट का, तो अगर आप लोग इसको पिन करना चाहते हैं आपके उसमें ये नहीं दिख रहा है, आप लोग इसको यहाँ पर से लगाना चाहते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर से ये पिन का आइकन है आप लोग इस पर क्लिक कर लीजिए। तो जैसे आप लोग पिन के आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर से देखिए, अगर आप लोग किसी वेब पेज को ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर से हम लोग जाते हैं गूगल पे, मैंने यहाँ पर से खोल लिया गूगल और मैं यहाँ पर से न्यू सर्च कर लेता हूँ, NEWS कोई भी एक वेब पेज हम लोग सर्च कर लेते हैं जिसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो मैं यहाँ गूगल से गूगल न्यूज पे चला गया, उसके बाद यहाँ पर से देखिए एक आर्टिकल है, मैं इस आर्टिकल को खोल लेता हूँ। यहाँ पर से देखिए ये जो आर्टिकल है ये पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है। अगर मुझे इसकी लैंग्वेज को चेंज करना है, इसको ट्रांसलेट करना है तो मुझे क्या करना होगा, मैं पहले इसको नो थैंक्स कर देता हूँ। यहाँ पर से देखिए आप लोगों को क्या करना होगा, ये जो एक्सटेंशन है इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर आप लोगों के पास एक पॉपअप आएगा और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शन आ जाता है ट्रांसलेट द पेज। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर से ट्रांसलेट द पेज पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप लोग यहाँ पर से ट्रांसलेट द पेज पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर से देखिए आप लोगों के पास एक टूल बार आ जाएगा छोटा सा। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर से लैंग्वेज जो है वो सेलेक्ट कर लेनी है कि आप लोग इसको किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इंग्लिश है, तो अगर आप लोग इसको चेंज करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर से इसको हिंदी करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर से इसको हिंदी सेट कर देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर से इसको हिंदी सेट करा तो यहाँ पर से देखिए ये जो पूरा पेज है ये कम्प्लीट हिंदी में जो है वो ट्रांसलेट हो चुका है। अगर आप लोग यहाँ पर से इसकी लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं, आप लोग किसी और लैंग्वेज में इसको देखना चाहते हैं तो आप लोग उसको आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पर से देखिए इसमें लैंग्वेज में हमारी बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज भी हैं, जैसे यहाँ पर से आप लोगों को मलयालम देखने को मिल जाएगी, पंजाबी देखने को मिल जाएगी, तमिल, तेलुगु यहाँ पर से आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो जिस भी लैंग्वेज में आप लोग ट्रांसलेट करना चाहते हैं उसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर से देखिए, अगर आप लोगों को हिंदी पढ़ने में नहीं आती है, आप लोग हिंदी वाले पेज को ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए एक हिंदी में पेज है, मैं इसको ट्रांसलेट करना चाहता हूँ इंग्लिश में तो मैं यहाँ पर से क्या करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा और उसके बाद यहाँ पर से मैं इसको कंप्लीट पेज को ट्रांसलेट करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर से कंप्लीट पेज को सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पर से इंग्लिश करा तो यहाँ पर देखिए ये जो पूरा आर्टिकल है ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। तो ऐसे करके आप लोग किसी भी वेब पेज को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर से देखिए, जैसे मेरे पास ईमेल आया है और ईमेल में मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, अगर आप लोगों ने किसी पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना है तो आप लोग किसी पैराग्राफ को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, उसके बाद राइट क्लिक करना है और उसके बाद गूगल ट्रांसलेट का यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है, आप लोग इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को लेके जाएगा translate.google.com पे और जो आप लोगों ने टेक्स्ट को सेलेक्ट करा था वो यहाँ पर से आप लोगों को दिख जाएगा। फिर यहाँ पर आप लोगों के पास भी ऑप्शन आता है कि आप लोग इसको किस भाषा में ट्रांसलेट करना चाहते हैं। तो आप लोग यहाँ पर से इसकी जो लैंग्वेज है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको हिंदी में देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर से इसको हिंदी सेट कर देता हूँ। तो जैसे मैंने इसको हिंदी सेट करा तो यहाँ पर से देखिए इसका जो कंप्लीट पैराग्राफ था वो यहाँ पर से ट्रांसलेट हो चुका है। तो ऐसे करके अगर आप लोग अपने ईमेल को समझना चाहते हैं तो ईमेल को भी समझ सकते हैं और अगर आप लोग किसी कंप्लीट वेब पेज को ट्रांसलेट करना चाहते हैं, वेबसाइट को करना चाहते हैं, तो वो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और आपके काम आया तो यहाँ पर लाइक बटन में क्लिक कर आप लोगों ने इसको जरूर लाइक कर देना है और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।
और अगर आप लोगों के कुछ सवाल हैं गूगल क्रोम ब्राउजर से संबंधित तो वो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों के कुछ सुझाव हैं तो वो भी आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। और ऐसे ही कंप्यूटर इंटरनेट मोबाइल वेब और टेक्नोलॉजी से संबंधित लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स और हाउ टू वीडियो देखने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक का हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर से इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटी को जरूर से दबा लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए। इससे होगा ये कि जितने भी हम वीडियो डालेंगे हाउ टू हिंदी में उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और फिर आप लोग उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।